हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करेंट स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना हो कि रेलवे वाला मेडिकल कैसे कुछ हुआ, सारा कुछ प्रोसेस कैसे, आप लोगों को एंट्री लेने के बाद से क्या चीज़ चेक किया गया सबसे पहले, कैसे कुछ सुबह से लेकर शाम तक क्या चीज़ हुआ, मैं पूरा कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूंगा। रेलवे ग्रुप डी का मेडिकल कैसे चल रहा है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को अपना जो डीवी का एडमिट डीवी का सॉरी यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे मेडिकल मेमो जब डीवी कंडक्ट हुआ होगा जिस दिन आप लोगों का, क्योंकि उसके नेक्स्ट दिन ही डीवी के नेक्स्ट दिन ही आप लोगों को मेडिकल मेमो दे दिया गया होगा किस हॉस्पिटल में जाना है आपको। तो उसके नेक्स्ट दिन आपको हॉस्पिटल के पास पहुँचना था, रिपोर्ट करना था, तो आप लोगों को उसी टाइम बता दिया गया। जो भी आप लोगों का हॉस्पिटल मिला होगा वहाँ पर हॉस्पिटल में एंट्री लीजिएगा। मेरा तो गोरखपुर जोन था, रेलवे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, तो वहाँ पे मेरा डीबी हुआ गोरखपुर मेडिकल, सॉरी मेडिकल चला गोरखपुर में। वहाँ पे एल एन मिश्रा हॉस्पिटल रेलवे हॉस्पिटल करके कोई था, तो वहाँ का मैं आप लोगों का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। लगभग सारे जोन का ही ऐसे ही होगा, क्या क्या चेक होगा मैं सारा इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कम्प्लीट। तो सबसे पहले आप लोगों को जो भी आप लोगों का हॉस्पिटल बताया गया होगा स्लिप में, उस हॉस्पिटल पर आप लोगों को रिपोर्ट कर रहा है, और हॉस्पिटल आकर करीब 9 बजे करीब हॉस्पिटल खुल जाता है, और 10 बजे से सारे डॉक्टर आ भी जाते हैं, 10 बजे से मतलब मेडिकल स्टार्ट हो जाते हैं। तो हर एक हॉस्पिटल में 50-50 कैंडिडेट को भेजा जा रहा है, तो मेरे यहाँ भी 50-50 कैंडिडेट को भेजा गया था। और जब भेजा गया तो उसके बाद से अंदर सारे लोगों 50 लोगों को अंदर हॉल में लेके चला गया, लेके चले गए जो भी वहाँ के असिस्टेंट थे, वहाँ पे हॉल में लेके गए, और वहाँ पे 20-20 कैंडिडेट का ग्रुप बनाए थे। 20 कैंडिडेट का ग्रुप ए बनाए, 20 कैंडिडेट का ग्रुप बी बनाए, और 20 कैंडिडेट का जैसे कि बचे हम लोग 10, तो हम लोग 10 लास्ट 10 कैंडिडेट बचे थे, 10 कैंडिडेट में हम लोग थे। और उसके बाद से 20 कैंडिडेट जो बना था दो ग्रुप 20-20 करके 40 हुआ, 10 लास्ट में हम लोग 10 बजे तक, तो हम लोग ग्रुप में 10 लड़के थे टोटल। तो सबसे पहले आप लोग ग्रुप बनाया गया, ग्रुप वाइज बैठाया गया होगा, और हर तीनों जो जितने भी ग्रुप बनेंगे आप लोग के जोन में चाहे किसी भी जोन में मेडिकल के टाइम पे, उस ग्रुप का हर एक ग्रुप का एक एक हेड होंगे जो कि आप लोगों को मेडिकल के लिए लाइन वाइज लेके जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही आप लोग का मेडिकल के लिए हॉल में बैठ जाएंगे, ग्रुप बन जाएगा, उसके बाद आप लोगों को फॉर्म दिया जाएगा। तो मेडिकल के लिए करीब फॉर्म दिया गया था, दो फॉर्म दिया गया था मेडिकल के लिए। एक फॉर्म पे पूरा डिटेल्स भरा गया था, और दूसरे फॉर्म पे छोटा सा फॉर्म था जिसमें एक्सरे लिखा था, यूरिन लिखा था, और उसमें से दो हम लोग अलग से लिखा था ना, एक हाइड्रोसील हर्निया एक लिखना था, और एक लेसिक लिखना था। लेसिक दो तीन मतलब चार, उस छोटे वाले फॉर्म पे चार था, जो कि यूरिन टेस्ट था, वो 30+ वालों का केवल चेक किया गया यूरिन टेस्ट। और हम लोग के जोन में ब्लड टेस्ट नहीं हुआ किसी भी कैंडिडेट का, यूरिन टेस्ट हुआ। और जो यूरिन टेस्ट वाले जो उसमें भी जो 30+ एज वाले थे उन्हीं कैंडिडेट का यूरिन टेस्ट हुआ है, और जो 30 नीचे थे उनका यूरिन टेस्ट भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम लोगों का ग्रुप वाइज बांटा गया, फॉर्म लिया गया, फॉर्म दे के जो भी हम लोग को फॉर्म दिया गया था उसको सबसे पहले नीचे हम लोग गए एक्सरे के लिए। एक्सरे के लिए गए तो एक्सरे उसमें हुआ, और उसके बाद से उस एक्सरे से पहले हम लोग का एक्सरे से पहले हम लोगों का लेसिक चेक हो चुका था आँख का, कि आँख में हम लोग लेसिक सर्जरी कोई करवाए नहीं है या नहीं है। तो हम लोग को जो भी मशीन था, आप लोग को मशीन का भी मैं फोटो सामने साइड में दिखा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग का लेसिक चेक हुआ, लेसिक चेक होने के बाद से जो हम लोग फिर हॉल में आकर बैठ गए, उसके बाद से आप हम लोगों का जो फॉर्म दिया गया था उसको ले करके एक्सरे जहाँ पे हो रहा था वहाँ पे चले गए एक्सरे के लिए, और एक्सरे वहाँ से हुआ, फिर आकर वापस हम लोग बैठ गए। और उसके बाद से जब एक्सरे हो चुका था हम लोग का, तो उसके बाद से डॉक्टर के पास सारा कुछ स्लिप मेरा और एक्सरे चला गया, और वो चेक कर लिए होंगे। उसके बाद से आई टेस्ट के लिए हम लोगों का आई जहाँ पे हॉल था जिसमें जिस भी वार्ड में हो रहा था उसमें रूम में वहाँ पे हम लोग को लेके गए, लेके गया गया सब लोग का, सारे कैंडिडेट का हम लोग का ग्रुप में। हम लोग ग्रुप में 10 कैंडिडेट थे जिसमें से 2 कैंडिडेट एबसेंट थे, 8 कैंडिडेट बचे थे। तो 8 लोगों का हम लोग का ग्रुप बना था। तो उसके बाद से हॉल में गए, सबसे पहले हम लोगों का डिस्टेंस विजन चेक हुआ लाइन वाइज लाइन, जिसका जैसे ग्रुप था हम लोग का ग्रुप K1 K2 K3 करके ग्रुप बना था, हम लोग का K6 में मेरा था। उसके बाद सबसे पहले K1 वाला कैंडिडेट गया डिस्टेंस विजन के लिए। डिस्टेंस विजन कैसे चेक हुआ है उसका भी मैं आप लोगों को एक इमेज दिखा दूंगा साइड में, तो देख लीजिएगा आप लोग डिस्टेंस विजन कैसे चेक हुआ है। तो कि उस पर सेक्शन वाइज ग्रुप बना था डिस्टेंस विजन के लिए, 6 मीटर की दूरी से आप लोगों को सी पढ़वाया जाएगा। हम लोगों जो है सी पढ़वाया ही गया 6 मीटर की दूरी से, तो 6 मीटर की दूरी से सी पढ़वाया गया है।
तो 6 मीटर की दूरी से आप लोगों को सी पढ़वाया जाएगा कि आँख सबसे पहले 6x9 ही चेक किया गया, नहीं 6x6 सबसे पहले डायरेक्ट चेक किया जाएगा। अगर 6x6 पढ़ने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो नीचे आप लोगों का डॉक्टर पढ़वा रहे हैं, तो डायरेक्टली 6x6 ही पढ़वा रहे हैं। और आप लोगों का भले ही मेडिकल स्टैंडर्ड 6x6 है, लेकिन आप लोगों को दिया जाएगा ही A2, क्योंकि दिया जाएगा A2 6x9 वाला ही दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों का ग्रुप डी में जो है हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है असिस्टेंट अपॉइंटमेंट का, वो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड ही है वो, तो इसीलिए आप लोगों को वही दिया जाएगा। और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड का शायद 6x9 ही होता है मेडिकल स्टैंडर्ड, लेकिन सारे कैंडिडेट से डायरेक्टली 6x6 ही पढ़वाया गया था और मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया था 6x9 वाला मेडिकल स्टैंडर्ड हम लोग को दिया गया था, क्योंकि हाईएस्ट ग्रुप डी में वही है ये असिस्टेंट अपॉइंटमेंट के लिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड। तो उसके बाद है डिस्टेंस विजन पढ़वाने के बाद से डायरेक्ट अब हम लोग का कलर ब्लाइंडनेस के लिए बुलाया गया। कलर ब्लाइंडनेस जो कि होता है सारे कलर्स होते हैं और उसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, कुछ चित्र बने होते हैं, हम लोग का जो नंबर ही लिखा था मतलब वही बुक ही होता है सर, नंबर लिखा होता है कुछ जो कि कलर ब्लाइंडनेस वालों को उसे पकड़ा जाता है। जिनका भी कलर ब्लाइंडनेस होगा वो लोग उस बुक को नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम लोग सारे कैंडिडेट नॉर्मली कैंडिडेट वाले थे, हम लोग के ग्रुप में सारे लोग पढ़ लिए करीब। तो उसके बाद से कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के बाद से पढ़वाया गया हम लोगों से क्या चीज़, लाइट बन करके लाइट विजन चेक किया गया, लाइट विजन। और डिस्टेंस विजन चेक करने के बाद नियर विजन भी चेक किया गया हम लोगों से। और उसके बाद से कलर ब्लाइंडनेस वाली बुक पढ़वाई गई और फिर उसके बाद से लाइट सारे कमरे का लाइट ऑफ करके लाइट विजन चेक किया गया। नाइट विजन जो होता है लाल हरा नीला पीला भर करके वाइट, ये सब कलर पढ़वाए गए, चेक करवाए गए। तो एक इसे भी सारे कैंडिडेट हम लोगों के ग्रुप के पढ़ लिए और उसके बाद से इसे चेक करवाने के बाद से बैठा दिया गया सिंपली। और उसके बाद से फिर एक एक करके कैंडिडेट जो वही डॉक्टर जो आई टेस्ट किए थे ये सब सारा कुछ डिस्टेंस विजन नियर विजन और कलर वाला कलर ब्राइटनेस और ये जो लाइट ऑफ करके हुआ था वो यही डॉक्टर जो चेक किए थे वही डॉक्टर लाइन से कैंडिडेट को बुलाए एक एक कैंडिडेट को और एक एक कुछ साइड से गिरा गया था और उसमें बनाया गया था और एक कैंडिडेट उसमें गया सारा कैंडिडेट का लिए और एक एक कैंडिडेट जा रहे थे और सारा कपड़ा निकाल दिया जा रहा था कैंडिडेट का पूरा, मतलब कि पूरा कपड़ा मतलब शरीर पे कोई कपड़ा नहीं रहेगा और निकाल दिया गया। और एक एक कैंडिडेट के लिए सबसे पहले जाएंगे आप लोग तो वहाँ पर हम लोग गए तो सारा कपड़ा निकलवा दिया गया और सारे शरीर से और उसके बाद से उठक बैठक करवाएं और उठक बैठक करवा के बोले खांसने के लिए और हाइड्रोसिल चेक किए और हाइड्रोसिल भी चेक किए और उसके बाद से पैर किए सीधा उधर करवाए हाथ दोनों का सीधा करने के लिए जो सारे कैंडिडेट से और बस ये कुछ हुआ और उसके बाद वापस भेज दिया गया। और उसके बाद से अपने अपने जहाँ भी सीट था जाके बैठ गया गया। उसके बाद से ये सब सारा कुछ चेक हो जाने के बाद से लास्ट में हम लोगों का शुगर टेस्ट हुआ और नहीं वहाँ पे सॉरी वहीं वहीं पे जहाँ पे ये चेक हुआ वहीं पे ब्लड प्रेशर भी चेक हो चुका था हम लोगों का, ब्लड प्रेशर भी वहीं चेक हुआ इन्हीं सब प्रोसेस के बीच में। तो ब्लड प्रेशर चेक होने के बाद से उसके बाद से हम लोग हॉल में चले गए और फिर जब सारे कैंडिडेट का ये सब चेक हो चुका था तो फिर सारे कैंडिडेट आए जहाँ पे ब्लड टेस्ट हो रहा था शुगर टेस्ट हो रहा था। तो वहाँ पर लाइन से एक कैंडिडेट आए शुगर टेस्ट हुआ और उसके बाद जाके हम लोग बैठ गए फिर अपने हॉल में। फिर बैठ जाने के बाद से हॉल में सारा का प्रोसेस अब उसके बाद से जो भी उस ऑफिसर लोग थे वो सारा लोग प्रोसेस करने लगे कंप्लीट। और शाम के टाइम पे हम लोगों से सिग्नेचर करवा लिया गया और लेफ्ट हम दे दिया गया और जिन भी कैंडिडेट का कोई प्रॉब्लम था उनको लिए DMC एक फॉर्म दिया गया डिविजनल मेडिकल कमेटी, इसके लिए डिवीजन DMC बैठाया कमेटी बैठाई गई कमेटी और उनको एक फॉर्म भरवाया गया और उनको नेक्स्ट डे बुलाया गया। और जिन भी कैंडिडेट का मेडिकल क्लियर हो गया उनके एक ही दिन में हम लोग का मेडिकल ख़त्म हो गया हमारे जोन का सारे कैंडिडेट का, और सारे कैंडिडेट का नहीं मतलब जिन भी कैंडिडेट का नॉर्मल वाले थे उनका एक दिन में मेडिकल ख़त्म हो गया और उनको घर भेज दिया गया। और जिन भी कैंडिडेट का कुछ प्रॉब्लम था उनके लिए एक DMC फॉर्म भरवाया गया डिविजनल मेडिकल कमेटी वाला फॉर्म और उनका फॉर्म भरवाने का उसके नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में बुलाया गया आप लोगों को। जो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो अब जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक नेक्स्ट डे करके बुलाते रहेंगे आप लोगों को। और हम लोग कैंडिडेट और जो डॉक्टर आप लोगों को फर्स्ट डे चेक किए थे वही डॉक्टर आके DMC में भी चेक करेंगे और नहीं तो कमेटी जो बैठाई गई होगी 3 डॉक्टर की कमेटी होती है वो डॉक्टर तीनों लोग चेक करेंगे पारापारी एक एक करके। तो जब तक आप लोग वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप लोग को एक एक दिन करके बुलाया जाएगा दौड़ाया जाएगा इसी तरह करके। तो DMC वाले भी हम लोग के जोन में कुछ कैंडिडेट निकले थे
उनका डीएमसी। अगर डीएमसी का मतलब ये नहीं कि आपको मेडिकल में हटा ही दिया जाएगा, नहीं, अगर जो डॉक्टर नॉर्मल वाला है जो चेक कर रहा है उस पर डाउट हो रहा है तो डीएमसी फॉर्म भरवा दे रहा है। जरा सा भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं लोग, और लोग डीएमसी फॉर्म भरवा रहे हैं तीन डॉक्टर की कमेटी का, तीनों डॉक्टर की सहमति से, उन्हें मतलब कि रिस्क नहीं लेना चाहते, टोटल यही कहने का मतलब है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको डीएमसी फॉर्म दे दिया गया तो डीएमसी मिला है तो आप लोगों को मेडिकल में छाँट ही दिया जाएगा, नहीं, हर संभव प्रयास किया जा रहा है आप लोगों को मेडिकल, क्योंकि अफसर लोग डॉक्टर लोग भी समझ रहे हैं कि बच्चा रिटर्न एग्ज़ाम दिया है, इतना कुछ मेहनत करने के बाद लास्ट स्टेज पर पहुँचा है और यहाँ से इसको छाँट दिया जाए, छाँटने का मतलब हर एक संभव कोशिश किया जा रहा है आपको मेडिकल में पास करने के लिए। तो डीएमसी का मतलब ये नहीं कि आपको मेडिकल में हटा ही दिया जाएगा। तो उसके बाद तीन डॉक्टर आप लोग का डिसाइड करेंगे क्या होगा, उसके बाद से डायरेक्टर मेडिकल डायरेक्टर जो होंगे उनका सिग्नेचर लग जाएगा डीएमसी फॉर्म पे। तो उसके बाद से ऐसे करके वापस चला आएंगे और उसके बाद से हम लोग का मेडिकल ख़त्म हो चुका है ऐसे करके। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना पूरा फुल एक्सपीरियंस शेयर किया कैसे मेडिकल में जोन का टेस्ट हुआ था। और अगर हॉस्पिटल का रिव्यू देखना हो तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ हॉस्पिटल का, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर जोन का हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल का, उस वीडियो को आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर देखना हो तो हॉस्पिटल का रिव्यू मैं शेयर किया हूँ। और एसटी के लिए स्टेट गवर्नमेंट का, अगर एससी कास्ट सर्टिफिकेट को सेंट्रल गवर्नमेंट कास्ट सर्टिफिकेट में कैसे कन्वर्ट कराएं उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को शेयर देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।